غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। लेकिन मुझे लगता है तुख्तमिश को जहर दिया गया था असलियान। हैरान नहीं हूं मैं, तुख्तमिश की मौत से जरूर किसी को फायदा पहुंचा होगा। सोना इसी खलीज के सुराखों में छुपा हुआ है, हमें सिर्फ वहां से रेत को निकालकर छानना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और ये खंजर मुझे तुर्गुत के पास पड़ा मिला, इसके दस्ते पर चावदार कबीले की मोहर नक्श है और अब कोई भी बात उराल से आसानी से मनवा सकते हैं आप। ये नामुमकिन है भाई, हमने तो हर एक को मार दिया था, काई के कारीन भी जला दिए थे, तुर्गुत को तो मैंने खुद मारा था। अर्थरुल साहब को अगर मालूम हो गया। दो मुसलमान कबाइल के दरमियान ये मुनासिब नहीं है बाबा, जबकि चारों तरफ से हमें गैर मुस्लिमों ने घेरा हुआ है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तलवार सिर्फ सामने के वार को नहीं रोकती बल्कि उसमें पीछे से होने वाले वार का दिफा करने की भी सलाहियत होती है। बाबा, तुम्हें भी अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है मेरे शहजादे कुंदूस। अपने दादा की तरह, अपने चचा की तरह इंसाफ का परचम सरबुलंद करना है बेटा। सिमोन के साथ जो आदमी था ये तो वही है ना? देखते हैं क्या बात करता है बमसी। भाई, आपकी इजाजत हो तो यह आदमी आपसे बात करना चाहता है। इसका नाम फिलिप है, खुद को सिमोन का साथी बताता है। क्या बात है फिलिप? अर्तुरुल साहब, मैं आप और आपके कबीले को
सिमोन साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। मसला क्या है? आपके वो सिपाही जो कालीन को सुनतुनिया ले जा रहे थे, हमला हुआ है उन पर। खामोश हो जाओ भाइयों, देख नहीं रहे कि सरदार बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमले में सारे जंगजू मारे गए। हमले में सिर्फ तुर्गुत बचा है। सिमोन साहब ने आपके नुकसान पर ताजियत की है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बमसी, तुर्गुत कहाँ है? वो सराय में है। आपको जल्दी चलना चाहिए, हालत ठीक नहीं उसकी। वही हमले की असल हकीकत आपको बता सकता है। फौरन चलिए, ऐसा ना हो देर हो जाए। सरदार, अगर आपकी इजाजत हो तो रवानगी की तैयारी शुरू करता हूं मैं। इसहाक, तुम कबीले में ही रुको। अर्तुरुल साहब। अब्दुर्रहमान, हुकुम करे भाई। आर्तुक भाई को पैगाम भिजवाओ, मेरे साथ जाना होगा उन्हें। जैसा आपका हुकुम भाई। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? जाके मालूम करता हूँ वालिदा। आप शहीदों के वो रसा का ख्याल करें, उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। उन्हें यकीन दिलाएं कि अपने शहीदों के खून का पूरा बदला लेंगे हम। बमसी, चलो। जी भाई। यानी दुआन के बाद अब लगता है तुर्गुत की बारी है। ठीक कह रही हूं ना मैं? अब हमारा क्या अंजाम होगा देखते हैं। बानो जिजेक, देखो यहां सब लोग हम से निठाल हैं, तो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय अपना मुंह बंद रखो। समझ आई मेरी बात? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद किसी दिन अपनी औलाद को जान से मार। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पास चारा नहीं कोई। अर्थरुल को तुम बजाते खुद कबीले आने की दावत दोगे? अच्छी तरह सोच लें बाबा। अर्थरुल साहब और उनके घर वालों को बुलाना शोलों को हवा देने के मुतरादिफ होगा। अर्तुरुल साहब बहुत दूर अंदेश है, आपने ही बताया था बाबा। इस कार्रवाई में भाई के मुलविस होने का जरा भी शक हो गया उन्हें अगर, तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। उसे दावत पर इसलिए बुला रहा हूं मैं ताकि वो औराल पर शुभ ना करे, और तुम्हारे जरिए बुलावा भेजने का मकसद यह है कि वो इनकार नहीं कर सकेगा, दावत कबूल कर लेगा तुम्हारी। क्या होगा जब वो यहां आएंगे बाबा? आपको यकीन है उन्हें शक नहीं होगा?
जब वो आएंगे तो उनकी आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हम उनसे कहेंगे कि हम जानते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उनके साथ उनका गम बांटेंगे हम। कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम अपने कबीले के बेहतरीन सिपाही उनकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर ये ना किया तो या औराल मारा जाएगा या अर्तुरुल। हमारे पास इस बात को संभालने का तरीका नहीं है और कोई। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की गलती पर भी उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता। अर्तुरुल साहब को यहां बुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अर्तुरुल साहब को मालूम हो गया कि हकीकत क्या है तो वो इंतकाम जरूर लेंगे बाबा। फिर मेरे पास अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाने के सिवा रास्ता नहीं बचेगा। यह आसान नहीं होगा बाबा। दोनों कबाइल के जंगजू एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कबाइल का अमनो सुकून आग और खून की लाहासिल मार काराई की नजर हो जाएगा बाबा। आलियार, जाओ और किसी भी कीमत पर अर्तुरुल साहब को यहां लेकर आना है तुम्हें। जाओ मेरे बेटे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है तबीब को बुलाना पड़े। ये जिंदा रह पाएगा? जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा अगर जल्द हमने किसी माहिर तबीब को ना बुलाया तो। तुर्कुत अगर जिंदा रह जाए और बतुहान का नाम लेकर अर्तुरुल को पूरा किस्सा सुना दे तो हम अपना मकसद पा लेंगे। दोनों कबाइल दस्तों ग्रेवा हो जाएंगे। और अगर मर गया तो? जाहिर है मैं इस मामले को किस्मत के हवाले तो नहीं कर सकता। अंतोनी, अर्तुरुल को आज हर सूरत बतुहान का खंजर मिल जाना चाहिए। इस खंजर को अपने भरोसेमंद आदमी के हवाले करना। वो कोर पिनार पर अर्तुरुल का इंतजार करेगा और तुम्हारा वो आदमी खंजर के बारे में उसे बताएगा कि ये बतुहान का है। आप बेफिक्र हो जाए। अर्तुरुल और उराल को इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। जाओ जल्दी। जैसा आप कहो। अब मैं जाकर उराल और रिकार्डो को उसी मेज पर बिठाता हूं जो उन्होंने तबाह कर दी थी। मनहूस तुर्क, उसकी वजह से मेरे दो करीब तरीन आदमी मारे गए और सिक्कों का नुकसान अलग हुआ। अर्तुरुल पर भरोसा करना तुम्हें महंगा पड़ गया रिकार्डो। तुमने उसी की कीमत चुकाई है, पता चल गया तुम्हें? उराल साहब, मजीद गुस्सा मत दिलाइए मुझे। बात सुनिए, लड़ने से कुछ हासिल नहीं। जो होना था हो चुका, अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। हो सकता है कि
तुर्कुत जिंदा बच जाए और हमें ये मालूम हो सके कि ये किसका किया धरा है। दुरुस्त कहा ना मैंने उराल साहब? वो जिंदा रहे या मर जाए मेरा मसला नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। अर्तुरुल साहब, आपने वादा किया था कुस्तुन दुनिया तक मेरा सामान सही सलामत पहुंचाएंगे, तो ये सब कैसे हो गया? जवाब दीजिए। सिपाही जख्मी है मेरा, उसे देख लूं फिर बात करता हूं। मेरी बात सुनो तुर्क, मेरा सोना वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल, मैं जो कहता हूं वो पूरा करता हूं। तुम्हें तुम्हारे सिक्के मिल जाएंगे, तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। अर्तुरुल साहब, मुझे खबर मिल चुकी है, बेशक आप इस बेरहम बाजार में मेरे मद्दे मुकाबले हैं, लेकिन दुख है मुझे आपके नुकसान पर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो मुझसे हो सका वो मैं करूंगा अर्तुरुल साहब। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सिमोना फंदी। मेरा सिपाही कहां है? मेरी बहन मारिया देखभाल कर रही है उसकी, परेशान ना हो आप। फिलिप, अर्तुरुल साहब को तुर्कुत के पास ले जाओ, मैं यहां के मामला निपटा कर आपसे मिलता हूं। आइए जनाब। खुद से होशियार बनने का नतीजा देख लिया तुमने रिकार्डो? अगर हमने अभी इस मामले को नहीं संभाला तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तूफान भी आ जाए तब भी कारोबार तो चलता ही रहना चाहिए, तिलाई सिक्के भी आते रहना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? क्या कहते हैं ओराल? तुर्कुत मेरे भाई, क्या हशर कर दिया जालिमों ने तुम्हारा। मैं एक तबीब हूं, जख्मी को देखने दीजिए। जी आइए। इनके हाथों और कमर पर तलवार से गहरे जख्म लगे हैं और बदकिस्मती से सबसे गहरा जख्म इनके पेट पर लगा है। अंदरूनी आजा बिल्कुल महफूज है मगर खून बहुत बह चुका है इनका। यरूशलम में जख्मियों की देखभाल किया करती थी मैं, मुनासिब समझे तो आपकी मदद भी कर सकती हूं। मुझे कुछ और साफ कपड़े चाहिए होंगे बेटी, गर्म पानी भी ले आइए और आग का भी इंतजाम कर दीजिए ताकि जख्म साफ किए जा सके। तुर्कुत को यहां कौन लेकर आया? मैं लेकर आई हूं अर्तुरुल साहब। कहां मिला था तुम्हें? काराचा हिसार किले के रास्ते में। तुम काराचा हिसार किले क्या करने जा रही थी? जमींदारों से महसूलात जमा करनी थी, वहां जाते हुए मुझे रास्ते में मिला ये। तुम्हें यकीन था बाकी जंगजू मर चुके हैं? मैं पहले भी बता चुकी हूं सब, किसी के जिंदा या मुर्दा होने का फर्क पहचान सकती हूं। ये ठीक कह रही है भाई,
इन्होंने अपना फर्ज नेक नियति और खुलूस के साथ अंजाम दिया है। सिपाहियों की लाशें कहाँ हैं? उनकी लाशों को जानवरों से बचाने की गर्ज से भाई ने यहां मंगवा लिया। सराय के बाहर मौजूद है वो लाशें। जो कुछ हुआ अफसोस है मुझे। जाइए भाई, मैं तुरकुत के पास मौजूद हूं। बेटी जरा गर्म पानी दीजिए और एक साफ कपड़ा भी। माल तो जाया हो चुका तुम्हारा, वैनेतिक क्या खाली हाथ जाओगे? उराल साहब की एक कालीन के बदले 3 तलाई सिक्कों की पेशकश अभी भी बरकरार है। मजीद ये कि तुम्हारा माल बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया पहुंचाने के लिए मेरे और उराल साहब के जमजू तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। जो सिक्के मैं अर्तुरुल को दे चुका हूं उनका क्या? वो मुझ पर छोड़ दो तुम, उनकी वापसी मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। और कोई चारा भी नहीं इसके अलावा। बहरी जहाज वैनेदिक रवाना होने वाला है 3 दिन में, यह सौदा करना मेरी मजबूरी है। क्या आप राजी हैं उराल साहब? राजी हूं। बहुत खूब, चूंकि यह मामला तय पा गया है तो अब हम अपने 1500 कालीनों के बारे में बात करते हैं। 1500 कहा तुमने? दरअसल रिकार्डो को बाहर के मौसम तक 1500 कालीन बाहिफाजत अपने पास चाहिए और इसे भरोसा है मुझ पर। रिकार्डो की तरफ से यह सौदा मैं करूंगा अगर तुम्हें मंजूर है तो। इसके मामलात हम बाद में तय करेंगे, इस सौदे से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सिर्फ मुझे ही नहीं सबको फायदा होगा। इस गम को हमारा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे भाई तुरकुत ने इन जवानों की बहुत मेहनत से तरबियत की थी, तलवार चलानी सिखाई, तीर चलाना और घोड़े दौड़ाना। भाई ये सब अपनी माओ के जिगर के टुकड़े थे। भाई ये सब शहीद हो गए और वहां तुरगुत मौत से लड़ रहा है। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहेंगे बंसी, उन्हें ढूंढ कर उनको इबरतनाक सजा देंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने भी यह हरकत की है वो इंसान नहीं हो सकते अर्तुल साहब। बहुत ही सफाक होंगे वो जो चंद कालीनों के लिए मासूम इंसानों की जान ले लें। उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना मुझ पे भी उतना ही लाजिम है जितना कि आप पर। इस बाजार की इज्जत पामाल कर दी उन्होंने। मजीद क्या जानते हैं आपसे मोनाफती? मारिया के कहने के मुताबिक भारी तादाद में थे वो, उनके भी बहुत से आदमी मारे गए हैं, हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। कौन है ये लोग, क्या आप कुछ और जानते हैं इस बारे में? कातिलों की लाशें कहां हैं? से मोनाफती
लाशें तो नहीं मिली हमें उस मकाम पर। वो हमलावर अपने लोगों की लाशें अपने साथ ही ले गए और कालीनों को भी जला डाला। यानी वो रहसन नहीं थे। दुरुस्त, बज़ाहिर किसी साहब की जाती दुश्मनी नजर आती है अर्तुरुल साहब। हरगिज भी उराल पे शक नहीं किया जा सकता। वो कल रात अपने कबीले में था, इस बात की गवाही तो उसका भाई आलियार भी आपको दे सकता है। और वैसे भी वो इतना गया गुजरा नहीं कि इतनी नीच हरकत करे। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होता तो उसके बाबा जानदार साहब अपने हाथों से सजा देते उसको। ये सरदार अर्तुरुल है और उनके साथ उनका खास सिपाही बमसी है। और उनके साथ ये ताजर कौन है? वो सिमोना फंदी है भाई, इस बाजार और सराय का मालिक है ये। तुम जाओ, खुद देख लूंगा भाई ये सब। कैसा है यार तुक भाई? मारिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई। अगर ये सही वक्त पर ना पहुंचती वहां तो शायद तुर्गुत हमारे दरमियान ना होता। मैंने अपनी कोशिश कर ली है, बाकी अल्लाह की रजा। मगर मेरी ये राय है कि तुर्गुत को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि इसके लिए जरा से भी हरकत नुकसान का सबब हो सकती है। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी अर्तुरुल साहब, जरूरत के मुताबिक हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। तुम तुर्गुत के साथ रहोगी बमसी, हम ना ही इस औरत पर और ना किसी और पर भरोसा कर सकते। जैसा आप कहें भाई। क्या पता वो पादरी याहिया मौजूद हो सराय में भाई। अगर पादरी याहिया सिमोन के रूप में है तो वो हमारा भरोसा जीतना चाहेगा। यही वक्त है कि हम पहचाने दुश्मन को। मैं तुर्गुत को यहां छोड़कर उसे दिखाना चाहता हूं कि मैं मुकम्मल भरोसा करता हूं उस पर। हमें यह खेल उस वक्त तक जारी रखना होगा जब तक सबकी असलियत हमारे सामने ना आ जाए। भाई, और वो जिन्होंने हमारे कारवान पर हमला किया वो लोग कौन थे? हम बहुत जल्द ये जान लेंगे बमसी। तुम्हें उस गुलामों के ताजिर तिरिस्तान के पास जाना होगा, वो हमें पादरी याहिया के पास जरूर ले जाएगा। बंसी तुर्गुत के पास रहेगा। मैं आपको इस खिदमत और कमरे की कीमत अदा करना चाहता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझ पे भी आयद होती है। तुर्गुत सिपाही मेरा और मेरी बहन मारिया का खास मेहमान है, और अब ये बंसी साहब भी। परेशान ना हो आप। बहुत शुक्रिया।
बंसी, अपने भाई तुरगुत का ख्याल रखना। बेफिक्र हो जाए भाई, पूरा ख्याल रखूंगा। जिंदा बचेगा ये? जरूर बचेगा भाई, वो आर्तुक, उस जैसा माहिर तबीब नहीं देखा मैंने। बहुत खूब, इसका जिंदा रहना ही बेहतर है हमारे लिए। अर्तुरुल ही अलाउद्दीन का जासूस है, मुझे यकीन करना है इस बात का। अर्तुरुल को बेनकाब करने के लिए हम तुरगुत का इस्तेमाल करेंगे। इसे हर सूरत सराय में ही रखना है हमें। इसके सेहत याब होने के बाद तुम्हें इसका और भी ख्याल रखना है। गिरविदा बना लो इसे अपना, ताकि अपनी जरूरत की मालूमात हासिल कर सकूं मैं इससे। भाई बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल। फिलिप, मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आखिर ये आइकिस कौन है? बहादुर तुर्क, तुम्हारी मदद चाहिए इसके कपड़े बदलने हैं। पीछा नहीं कर रहा, मुझे तो एक आदमी नहीं है, अशर्फियां दी, उसने पीछा करने को कहा है। क्या चाहता है वो? अर्तुरुल को जाकर बताओ कि अगर हकीकत जानना चाहता है तो वो कोरपिनार आ जाए। जाओ यहां से। शुक्रिया भाई। ये क्या माजरा है? इस पूरे बाजार में हर तरफ जासूसी नजर आ रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि कोई आपको जान से मारना चाहता है। वो मुझे जान से नहीं मारना चाहता अर्तुक भाई, वो मुझे उस तक पहुंचाना चाहता है जिसने मेरे जंगजुओं को शहीद किया। तो आपका क्या इरादा है भाई? हकीकत को जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। आपने बुलाया था भाई? अब
अर्तुरुल साहब पर हकीकत आश्कार नहीं होने दे सकते हम कुतलुचा। दोनों कबाइल के आपस में इख्तलाफात खतरनाक हो सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। तुर्गुत ने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा था? बिल्कुल नहीं भाई, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अंधेरा भी था वहां। ठीक है, फिर भी इसे किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। तुर्गुत का जिंदा बच जाना हमारे लिए खतरा बन सकता है, उसे सराय से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। भाई आपको एक और भी मसला बताना है। वो क्या है? मेरा खंजर भाई, खंजर नहीं मिल रहा मेरा, हमले के दौरान वहीं गिर गया हो शायद। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम बतुहान? अर्तुरुल को अगर खंजर मिल गया तो वो सच्चाई जान जाएगा। अहमक आदमी, जाकर ढूंढो उसे। मैंने बहुत ढूंढा भाई लेकिन नहीं मिला वो। ये भी तो हो सकता है कि मैंने उसे कहीं और गिरा दिया हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बतुहान, दुआ करो कि ऐसा ही हो। शहीदों को कबीले ले जाए आरतू भाई, इनकी तदफीन का इंतजाम करें। मैं आता हूं कुछ देर में। खतरे से खाली नहीं होगा यूं आपका अकेले जाना। अकेला नहीं जा रहा मैं आरतू भाई, कुछ जंगजू हैं मेरे साथ। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आपकी सिपाही तुर्गुत की हालत अब कैसी है अर्तुरुल साहब? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। आरतुक साहब यकीनन बहुत माहिर तबीब हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि तुर्गुत जल्द सेहतियाब हो जाए। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको एक तंबीह करना चाहता हूं कि ये इलाका वैसा बिल्कुल नहीं है जहां से आप आए हैं। यहां कारोबार करना, वो भी इस बाजार में, बिल्कुल भी तलवार उठाकर जंग करने जैसा नहीं है। उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बाजार को चलाने वाले मंगोल लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि एहतियात करें। इस बाजार में आप बिन जल की मछली जैसा पाएंगे खुद को। बेहतर है कि अपनी औकात में ही गुजारा करें। शुक्र है कि सोने के सिक्कों की खातिर हम किसी के सामने झुके नहीं। औराल साहब, लूट कर खाना भी हमारा शियार नहीं है। आपकी तरह तिजारत के माहिर तो नहीं, लेकिन लुटेरों के हाथ काटना और कातिलों के सर कलम करना हम अच्छी तरह जानते हैं। याद रहे कि इस खित्ते पर अब हम लोगों का भी हक है। कोई भी इस गलत फहमी में ना रहे कि यहां से कहीं जा रहे हैं हम। चोरपान खातून ने जो खुशबू मंगवाई थी वो ये है। मेरी बीवी से हसद तो नहीं तुम्हें अमांडा? आपका दिल बहुत बड़ा है जनाब, इसमें हम दोनों के लिए जगह है। मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हारे पैरों में जच रहा है। सराय का चक्कर लगाती रहना मारिया से मिलने के बहाने। तुर्गुत पर नजर रखनी है तुम्हें। बेफिक्र हो जाएं आप। Oh,
किसने तुम्हारा ये हाल किया? बाबा चाहते हैं कि उनका चेहरा नूर से मुनव्वर होता देखो। उनका चेहरा मेरे लिए जन्नत है, हाय मखातब, जाने दे मुझे। देख लेना बेटा, थोड़ी देर सब्र कर लो बस। सरताज, ये क्या हाल कर दिया आपका? कितनी बेदर्दी से मारा है जालिमों ने। हौसला करो, हमें अपने बेटों का इंतकाम चाहिए। हलीमा खातून, अपने शहीदों का इंतकाम लेना होगा हमें। हाँ बिल्कुल, हम इंतकाम लेंगे उनसे, उनका बदला लेंगे। अर्तुरुल सरदार, हमारे इन शहीदों के कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। कबीले का कोई भी शख्स ये ना समझे कि सरदार अर्तुरुल इन शहदा की कुर्बानी रायगा जाने देंगे। वो सफाक कातिल जहां कहीं भी होगा आखिरकार अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। वो कौन सा सबूत है बताओ मुझे। बतवान का खंजर मौजूद नहीं। अर्तुरुल खंजर के बारे में नहीं जानता था कुछ, उसका काम नहीं है ये। और कौन हो सकता है फिर? हकीकत क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं उरान। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इंसान कहा जाए, और सबसे बड़े दुश्मन हो तुम इस कबीले के।